कौन थे दिल्ली के वो मुख्यमंत्री जो इत्तेफाक से बने थे सीएम? जाने क्यों देना पड़ा था इस्तीफा। दिल्ली का हमेशा से ही अपना एक अलग इतिहास रहा है, चाहे वो फिर मुगलों की बात हो या अंग्रेजों की बात हो या फिर राजनीति की। राजधानी के इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो पता चलता है कि इसने कितने ही उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो इसने तमाम मुख्यमंत्रियों को देखा है। लेकिन शायद ही लोग जानते होंगे कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री के बारे में। हालांकि कुछ लोग दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री सीएम मदनलाल खुराना को बताते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना नहीं बल्कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे। दरअसल दिल्ली में अक्टूबर 1951 में पहली बार चुनाव हुआ था। इस चुनाव में जनता का पूरा रुख कांग्रेस की तरफ था, लिहाजा भारी मतों के साथ कांग्रेस की यहां जीत हुई। कहा जाता है कि उस वक्त हुई विधायकों की बैठक में देशबंधु गुप्ता को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। सब कुछ तय था, तय ये भी था कि किस दिन देशबंधु गुप्ता मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। लिहाजा उस दौरान एक ऐसा हादसा हुआ कि देशबंधु गुप्ता की जान चली गई। कहते हैं कि शपथ ग्रहण से पहले ही देशबंधु गुप्ता की हादसे में मौत हो गई। इसके बाद अब सवाल उठा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। ये इत्तेफाकी था कि सभी ने एक सुर में चौधरी ब्रह्म प्रकाश के नाम पर मोहर लगा दी। उस दौर की राजनीति को जानने वाले कहते हैं कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश का दिल्ली का पहला सीएम बनना इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन वो एक काबिल नेता थे। यही वजह थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी सहमति चौधरी ब्रह्म प्रकाश को सीएम बनाने में थी। कहा जाता है कि नेहरू की वजह से ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के सीएम बने। चौधरी ब्रह्म प्रकाश की सबसे बड़ी खूबी उनकी सादगी थी, जिसकी उनके साथी भी सराहना करते थे। बताया जाता है कि वो किसी विशेष वाहन से चलने की बजाय सरकारी बसों में सामान्य आदमी की तरह सफर करते थे। इतना ही नहीं, चलते फिरते कहीं भी वो लोगों की समस्याएं सुनते और निराकरण का प्रयास करते थे। उन्हें कई बार लोगों के बीच सामान्य लोगों की तरह देखा गया। ब्रह्म प्रकाश की सादगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो दिल्ली के सीएम रहे और 4 बार संसद भी रहे, लेकिन वो अपना कोई ठिकाना यानी घर तक नहीं बना सके। इस पर जब उनसे कुछ पूछा जाता तो वो कहते समूची दिल्ली ही उनका घर है। नैरोबी शहर बेहद पसंद था और जब वो दिल्ली के सीएम बने तो उन्होंने कई बार नैरोबी की तर्ज पर दिल्ली का विकास करने की इच्छा जताई, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बन गया। फिर 90 के दशक में फिर यहाँ पर विधानसभा का गठन हुआ और भारतीय जनता पार्टी जीती और दिल्ली के सीएम बने मदनलाल खुराना। दिल्ली के पहले सीएम बेहद विनम्र स्वभाव के थे। दिल्ली के शकुर बस्ती में रहने वाले चौधरी ब्रह्म प्रकाश जात धर्म से दूर रहते थे। वो मानव समाज को ही अपना सच्चा धर्म मानते थे। जहां नेता जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने की जुगत में रहते हैं, वहीं चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने सीएम रहने के दौरान और बाद में कभी भी अपनी जाति नहीं बताई। ब्रह्म प्रकाश का दिल्ली की राजनीति में जो दबदबा था उसका कोई सानी नहीं था। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने के साथ ही ब्रह्म प्रकाश 4 बार यहां से सांसद भी रहे। 1957 में ब्रह्म प्रकाश ने पहली बार सदर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। इसके बाद 1962 और 1977 में बाहरी दिल्ली से लोकसभा क्षेत्र में भी जीत हासिल की। उनके दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब दिल्ली की 7 सीटों में 6 जनसंघ के खाते में चली गई थी, उस समय भी चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने अपनी बाहरी दिल्ली की सीट जीती थी। उस समय उन्होंने जनसंघ के वरिष्ठ नेता मिहिर सिंह को चुनाव में मात दी थी। इमरजेंसी के बाद 1977 में कांग्रेस के बंटवारे से आहत होकर जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जनता पार्टी के टिकट पर इन्होंने 1977 में फिर से बाहरी दिल्ली से चुनाव लड़ा और जीत गए। 1979 में जब जनता दल में 2 फाड़ हुई तो उस समय प्रकाश ने चौधरी चरण सिंह के धड़े का साथ दिया। इसके बाद वो कुछ समय के लिए केंद्र में मंत्री बने। केंद्रीय खाद्य, केंद्रीय कृषि सिंचाई और सहकारिता मंत्री के रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। साल 1980 में ब्रह्म प्रकाश को कांग्रेस उम्मीदवार सज्जन कुमार के हाथों हार झेलनी पड़ी। चौधरी ब्रह्म प्रकाश समाज में वंचित, शोषित और गरीब वर्ग से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए हमेशा आगे रहते थे। उन्हें इस बात का शुरुआत में ही एहसास हो गया था कि सहकारिता की ताकत से ही इन लोगों की मुश्किलें खत्म की जा सकती हैं। 1945 की शुरुआत में इन्होंने ग्रामीण और कृषि सहकारिता को एकजुट करना शुरू किया। उन्हें सहकारिता आंदोलन का पितामह भी कहा जाता है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर
वर्गी कुरियन के साथ मिलकर सहकारी कंपनी को बढ़ावा देने का विचार रखा। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को सरकार के चंगुल से मुक्त कराना था। सरकार का रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए इन पर नियंत्रण होता था। उन्होंने 40 साल तक सहकारिता के विकास के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली किसान बहुउद्देशीय सहकारी समिति, दिल्ली केंद्रीय सहकारी उपभोक्ता स्टोर, दिल्ली राज्य सहकारी इंस्टीट्यूट का गठन किया। पंचायती राज संस्था का समर्थन करने वाले लोगों में भी शामिल थे। उन्होंने वंचित तबकों की कल्याण के लिए साल 1977 में नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड मॉनेटरी गठित की। 1956 के बाद साल 1993 में जब दिल्ली फिर से विधानसभा में बहाल हुई और उसके चुनाव हुए, उसी साल चौधरी ब्रह्म प्रकाश का निधन हो गया। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।